चुकी है, वीडियो आप लोगों की प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है, जिन लोगों ने नहीं किया कर लेना, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, पूरे सिलेबस के आसान चैप्टरों में से एक है। वैसे ये बात मैं हर चैप्टर के सामने बोलूंगा, लेकिन ये वाकई आसान है। मतलब इसका ये सीन है कि क्लास नोट्स पकड़ लोगे ना अगर, तो भी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये चीज है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में तो मैंने आप लोगों को काफी कुछ बेसिक सा करवा दिया था, अब इस क्लास में देख लो आप लोग, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सब कर लिया था हम लोगों ने, ये बेसिक चीजें कर ली थी, अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई पीडीएफ नहीं भेजा है, लेकिन इस चैप्टर का मिलेगा, यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम ना बड़ा ही वाइड है, उसका भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें उसको बनाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तामझाम हम लोगों ने किया था। नमस्ते मैडम, अब लिखो आप लोग, नेक्स्ट टाइप करके लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, एलसीएम एचसीएफ का हेडिंग लिख लेना जो लोग नए हैं, और न्यू टाइप करके लिख लेना आप, ठीक है। सर बचा के आना प्लीज। देखो ये जो न्यू टाइप, देखो पिछला टाइप याद है आप लोगों को, इसकी बात नहीं करूंगा, ये तो कईयों के साथ कईयों ने इग्नोर कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, याद है ना ये बात। मैंने कहा भाई क्लास में आना तो पिछली क्लास का रिवाइज करके आओगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड है, जो न्यू टाइप कर रहे हैं वो इसी पे बेस्ड है, बस हल्का फुल्का और चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो आप लोग अगला क्या कह रहा है। सत्रह सौ दस, दो सौ दस, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं और बाकी आप लोग करना। आओ देखो क्या कहना चाह रहे हैं, और देखो ध्यान से सुनना, कह रहे हैं दो संख्याओं का लघुत्तम जो है उनके महत्तम का 56 गुना, देखो सुनो। और उसने आगे बोला कि एच सी एफ और एलसीएम का सम कितना है, 1710। देखो वो ये कह रहा है दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम और एच सी एफ का सम कितना है, 1710 है, ठीक है ना। और उसने ये बोला आपको कि जो एलसीएम है वो एच सी एफ का कितना गुना है, 56 टाइम्स है ना। तो अगर मैं एच सी एफ को एक्स मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 56 एक्स हो जाएगा, क्योंकि 56 गुना इसका ये, तो बराबर में क्या चल रहा है, 1710। तो इन दोनों को जोड़ दिया, 56 और एक कितना हो गया हमारा, जो लोग नए हैं भाई बता दो, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या होता है, एक होता है, ये लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है। और 56 में एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, बाकी मैं इसको मिटा दे रहा हूं वापस। क्या 240 है, हाँ हाँ कोई नहीं, अभी देखेंगे, मैं तो उतना तो मैं गया ही नहीं, मैं सिर्फ यहीं पे हूं अभी, है ना। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा है, और एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, 56 गुना है। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें ये मिल गया भाई कि 1710 बटे में 56, है ना। अब इसको काट लो आप लोग चाहे तो, 7 के टेबल से काटना चाहो नहीं कटेगा, 57 है सॉरी, 19 से काट लो फिर, तो 19 नहीं में कितना, और 57 कितना आ गया भाई, 30 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया, और भाई एक्स किसको माना था आपने, एचसीएफ को माना, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 30। अगर एचसीएफ 30 हो गया तो एलसीएम इसका 56 गुना है ना, तो 30 गुना में 56 क्या हो गया, गुणा नहीं कराना बस लिख दो, समझ में आई बात आपको। अब आगे हमने ये पढ़ा था कि एलसीएम एचसीएफ का जो है, सॉरी आपको ये पता है ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम एचसीएफ का क्या होता है, बराबर होता है ना। अब देखना ध्यान से आप लोग, अब यहां से आगे आगे कहानी, ये जो आपने निकाला उसके आधार पर देखो, आपको ये पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो देखो एलसीएफ कितना आया हमारा, 30 आया, और एलसीएम कितना आया हमारा, गुणा मत कराओ ऐसे लिख दो, गुणा नहीं कराना, कोई फायदा नहीं है गुणा कराने का, वेस्ट ऑफ टाइम है। 57 यार ये बार, अरे 57 थोड़ी आएगा, 56 टाइम्स है,
57 तो जोड़ने के बाद हुआ था ना, ठीक है। अच्छा उसमें से एक संख्या आपको क्या दे रखी है, 240, तो हमें बतानी है क्या, हमें बतानी है दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो जीरो से जीरो काट दिया हमने, और तीन की टेबल पे कितने पे, आठ पे, और आठ की टेबल पे कितने पे, सात पे, तो कितना हो गया हमारा 210 हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी, 200, ठीक है। नमस्कार नमस्कार, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, क्वेश्चन लिखना है, विजिबल है ना, मैं सबको दिखाई दे रहा है ना। करें भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम ट्राई करना। एक चीज और, वैसे तो मैं सेम ही दे रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं, बस वैल्यू के अलावा। लेकिन ध्यान रखना, कभी अगर यहाँ पे योग की जगह पे अगर गुणनफल बोलते तो गुणा कराएंगे और क्या कराएंगे, है ना। यही चेंजेस हो सकते हैं और कुछ खास चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। हो गया, लिख लिया सबने। तुम्हें पता है, मेरा तो मन करता है कि आप लोग सब कुछ घर पे लिखो, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो घर पे किताब कॉपी खोलेंगे भी नहीं, तो इसीलिए लिखवाने को दे रहा हूं। वरना आप लोग अगर घर पे लिखो ना, तो मैं भी अपने एडवर्टीजमेंट में लिख सकता हूं कि 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें हैं, ठीक है, क्योंकि 4 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा, बस वही तैयारी है, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर, 21 24 24 21। कल संडे को मैंने सीजल 2024 के जीएस के क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए लगातार 1:30 बजे से 8:30 बजे तक। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, एक से एक इंटरेस्टिंग। हाँ, यूट्यूब पे मैंने डाल दिए हैं, जो दूसरा चैनल है ना उस पर। दूसरा चैनल भी शिक्षा सदन का ही है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा।
ट्राई करो भाई, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। आप लोग पिछला क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो, बस देखने वक्त ये ध्यान रखना कि पिछला क्वेश्चन का ही डाटा मत उधार देना। और वो ये कहना चाह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 22 गुना है, 22 टाइम्स है। तो ये अगर एक्स है तो ये 22x हो जाएगा, बराबर में 276, तो 23x बराबर कितना हो जाएगा 276, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12, और यही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 गुना में 22। आगे की कहानी, आपको पता है कि दो संख्याओं का योग क्या होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ हमारा कितना आया, 22 आया। मुझे पता है कि आपको गुणा कराने आता है लेकिन हमें नहीं कराना, ठीक है ना, कहीं भिड़ जाओ इसके साथ आप, ठीक है। और एक संख्या हमें कितनी दे रखी है, देखो सवाल वही है, डाटा चेंज हुआ है और इधर उधर कर दिया थोड़ा सा ना, जो लास्ट में दिया था वो पहले दे दिया है, जो पहले दिया था वो बाद में दे दिया है ना। तो एक संख्या हमें दे रखी है कितनी, 132, और दूसरी संख्या बतानी है। जिनको काटना आता है उनको पता होगा कि ये 11 का मल्टीपल है और ये 11 दूनी 22 पे चला जाएगा, फिर ये 12 से 12 तो कितना जाएगा हमारा, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ जाएगी 24 आ जाएगी, ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट सीजल का है। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। देखो ध्यान से सुनना, आगे बढ़ने से पहले सेम सवाल दूंगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इससे सबको एक बात सुनो। एक नंबर मैंने 6 दे दिया, एक नंबर मैंने मान के चलो 12 दे दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा,
ध्यान सुनना, मैं आपसे पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा भाई, 6 आएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये मिटा दे रहा हूं, अब मैं पूछूं नंबर बताओ तो बता सकते हो 6 और 12, क्योंकि आपके सामने मिटाया है भाई साहब, वो नहीं 6 और 12, चलो 6 और 12 मान लिया हमने, ठीक है ये आंसर। लेकिन एक बात बताओ, 6 और 36 भी तो ले सकता हूँ ना, इसका इससे भी क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है ना। तो मैं अब देखो, जब कभी भी आपको दो संख्याओं का एचसीएफ अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ, तो आप नंबर नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बता देंगे कि वो जो दोनों संख्याएं थी वो 6 की टेबल में पक्का आ रही होंगी, ये बात तो तय है। नंबर नहीं बता सकते, ऐसा कुछ हमारे पास हिसाब किताब नहीं है, समझ में आ रहा बात आपकी। तो अगर आप, हमने ये पढ़ा था कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके एलसीएम के और उनके एचसीएफ के। तो ध्यान रखना कि अगर आपको एचसीएफ की वैल्यू गिवन है और आपको नंबर में नहीं पता, तो एक नंबर आप ऐसा मान सकते हो, दूसरा वाला कैसा मानोगे, क्योंकि जो एचसीएफ होगा वही उनका क्या होगा, मल्टीपल भी होगा, उनका गुणज भी होगा, पक्की बात है ये, ठीक है। पिछले सवाल में आपको डायरेक्ट नंबर दिया था, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखो आप लोग, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा हुआ है उन लोगों ने, ट्राई करो आप लोग, देखते हैं फिर। बावन, दिस इज द क्वेश्चन, इसको ट्राई करो आप। वैसे ही ये सेम एक बार ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कर रहे हो या करें? देखो क्या आ रहा है, एक बात तो है, ये बात सही है कि सभी एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता, सेम ही होता, अलग अलग होता मोटे तौर पे देखे तो। लेकिन कभी भी तुम हेड कांस्टेबल, जितने भी हेड कांस्टेबल उनका पेपर उठाना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, इनका लेवल मैथ्स का थोड़ा सा चेंज ही मिलेगा आपको। आओ चलो देखो, सुनो देखो ध्यान से सुना, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है हमें, 169 दे रखा है ना। और इसने एक चीज बोली हुई है, क्या इसने कहा है कि एलसीएम एचसीएफ का क्या है, 12 गुना है, तो ये 12x हो गया हमारा, तो 169 तो कितना हो गया, 13x बराबर 169, तो कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 13, और यही हमारा क्या हो जाएगा। अब आगे ध्यान देना मित्रों, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, ये बात तो तय है, ठीक है। अब आगे
एक चीज और इसमें ना हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि इसने कुछ और दे दिया हमें, इसने हमें ना संख्याओं का योग दे रखा है। मान लो एक संख्या हमने x मान ली है, या एक संख्या हमने p मान ली, एक संख्या हमने q मान ली, उनका योग कितना दे रखा है 10। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि जो संख्याएं होती है ना वो संख्याएं हमेशा HCF के मल्टीपल में होंगी, तो ये 13p लिखा जाएगा और ये 13, समझ में आ रही बात आपको? 13 क्यों आया? क्योंकि इसका HCF क्या है, तो 13 के मल्टीपल में जरूर होगा। कुछ होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 13 तो नहीं 26, 13 है ना, 13 में आंसर जरूर आएगा। तो 13 में कितने ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा वाला? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आगे करने की जरूरत नहीं है, बाकी करोगे तो कैसे करोगे, 13 कॉमन ले लो, उसको डिवाइड कर दो, तो अंदर बचेगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू में क्या 104, तो 8 आ गया हमारा। देखो आंसर हम निकाल चुके हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं तरीका मैं, तो पी प्लस क्यू बराबर 8 आ गया। एक चीज दूसरा, आपने ये पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है ना। तो हमारा एचसीएफ कितना आया और एलसीएम कितना आएगा, 13 × 12। और आपको पता है एक संख्या आपने मान ली 13p और दूसरी संख्या आपने मान ली 13q, है ना भाई? अब ध्यान देना, 13 से 13 कैंसिल और 13 से 13 कैंसिल, तो p इंटू क्यू बराबर क्या है हमारा 12। अब दो संख्याएं ऐसी बताओ जिसको गुणा करा के 12 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए, कौन सी हो सकती है? 6 और 2 हो सकती है। 6 को 2 से गुणा कराऊंगा, 6 को 6 में 2 जोड़ूंगा, 8, है ना। तो p का मान कितना आया हमारा 6 मान लिया, और q का मान कितना आया 2 मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, ये p अकेला थोड़ी था, ये तो 13 से गुणा होगा ना भाई। तो एक संख्या हमारी आ गई 78 और एक संख्या क्या आ गई हमारी 26। तो इसने पूछा है अंतर। अच्छा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये आंसर इसका ये नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, लेकिन इसने हमसे संख्या थोड़ी पूछी कि हमने डायरेक्ट टिक कर दिया, हमसे तो डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 52 का डिफरेंस आ रहा ना। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अंतर पूछा हमसे, देखो एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, ठीक है, ये ठीक है, वो वाला लॉजिक लगा सकते हो आप, ऐसे वाला लॉजिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगेगा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, देखो यहाँ से तो हमने खुद ही सोचा कि भाई ऐसे कौन से नंबर होंगे जिसको गुणा कराने पे 12 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए, तो 6 और 2 आ गया। तो आपने P का मान 6 निकाला और Q का मान 2 निकाला, लेकिन मैंने कहा भाई आप P और Q को अकेले नहीं ले सकते, उनका HCF भी उनके साथ गुणा होगा, इसलिए मैंने 6 को भी 13 से गुणा कराया और 2 को भी 13 से गुणा कराया। तो अगर ये हमसे संख्या पूछता तो मेरी एक संख्या 78 आती, दूसरी आती 26, लेकिन हमसे उसने संख्या नहीं पूछा, इसमें संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा, इसलिए डिफरेंस हमने टिक कर दिया। सम ऑफ नंबर्स है, संख्याएं सम ऑफ नंबर, हाँ जैसे इधर 78 और 26 को जोड़ लो आप, ठीक है ना, जोड़ लो आप 104 आ जाएगा ना। तो दो संख्याएं जो है ना एक्चुअल में उनका सम है।
हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। अच्छा एक चीज जो यहाँ पे मैंने बीच में कैंसिल कराया था, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान देना आप लोग। मान के चलो एक संख्या सात है और दूसरी संख्या सात वाई है, सपोज करो एक मिनट के लिए, है ना। अगर मैं सात कॉमन लूंगा तो जो इनका योग आएगा वो भी क्या होगा, सात का गुणज ही होगा, है ना। और अगर मैं इनका अंतर ले लूंगा तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो भी सात का क्या होगा, मल्टीपल होगा, है ना। संख्याओं का अंतर सात का मल्टीपल होगा। तो यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग कि अंतर पूछा है तो अंतर भी क्या होगा हमारा तेरह का, क्योंकि देखो एक संख्या आपने क्या मानी, तेरह पी, और दूसरी क्या मानी आपने, तो जब आप कॉमन लोगे तो उनका डिफरेंस किसका मल्टीपल होगा, तेरह का। इसलिए हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब यहां से हम सीधे सीधे ऑप्शन पे चले जाएंगे। अगर मान लो एक ही बावन दिया है तो, लेकिन अगर मान लो छब्बीस भी दे दिया, मान लो 39 भी दे दिया, तेरह के सारे ही दे दिए, अगर मैं सेट करता तो ऐसे ही सेट करता, ठीक है ना। इन दैट केस फिर आपको पूरा ही करना पड़ जाएगा फिर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, आ जाओ न्यू क्वेश्चन देखते हैं। न्यू टाइप लिख लो आप लोग, ये जो हमने किया सारा का सारा ये एक टाइप था। अच्छा न्यू टाइप करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो आप लोग ना, एलसीएम निकालो 4, 6, 8, 12, 16 का। एलसीएम निकालना आपको किसका, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 16 का निकालो। कोई किसी को आंसर नहीं बताएगा, सब अपना अपना निकालेंगे, जिससे पूछूंगा बस वही जवाब देगा। इसके बाद करेंगे न्यू टाइप, पहले ये बता दो आपको। करें क्या रहे, किसी और का भी कुछ आ रहा था बोल सकता है, खुल्लम खुल्ला आता है। 8 पे पिताजी का आज फोन आया था, कहो तो बैक कॉल करूं। आओ चलो देखो सुनो, 48 आ गया ना भाई, 48 सब में आ रहा है, बिल्कुल सही है, 48 ही क्या इसका आंसर है ना। तो ये सवाल में बोला कि एलसीएम निकालो तो आप एलसीएम निकाल रहे हो। अब एक सवाल ऐसा ही आया सेम एग्जाम में, ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, व्हाट फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 8, 12 एंड 16। 4, 6, 8, 12 एंड 16। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही करेंगे जो कि आपने, लेकिन इसमें कहीं बोला तो नहीं एलसीएम निकालो, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये न्यू टाइप है, मतलब बोला नहीं है, छोटी संख्या जब भी बोलेगा हमें क्या निकालना है इसका, मतलब ये जो आपने 48 निकाला है ना, इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं है, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, जो 6 से भी है, 8 से भी है, 12 से भी है और 16 से भी है सबसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लेना आप लोग ये वाला, एक्चुअल में मतलब हम सेम ही कर रहे हैं, बस बोलने का तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। और जिन लोगों का एलसीएम 48 नहीं आया भाई, कोई बात नहीं, आएगा किसी ना किसी दिन तो आएगा। आगे बढ़े, और इस सवाल में कुछ खास है भी नहीं।
चलो अगला सवाल करो, सेम दे रहा हूं आपको मैं। कह रहे हैं इसका महत्तम क्या होगा। देखो अब तुमने पूछ लिया है ना तो मैं भी पूछूंगा फिर, ठीक है। महत्तम यानी कि एससीएफ क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे भाई, ठीक है। अब इस भाई ने बात कर ही दी है तो पूरी बात कर लेते हैं। आओ चलो देखो, बताओ भाई इसका एससीएफ क्या होगा। एससीएफ थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा था भाई एससीएफ वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो इन सबको क्या करे, डिवाइड करे। तो कौन सा ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन सबको डिवाइड करेगा। 200 हो रहा है, ये 200 ज्यादा से भी हो रहा है क्या किसी से? नहीं, 3 से नहीं हो रहा, हो तो रहा है 12 हो रहा है, 16 हो रहा है, 4 और 8 नहीं आता है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। तो मुद्दा ये नहीं है एलसीएम, अब उसने पूछ लिया तो ध्यान से सुनना। इसका एलसीएम कितना निकाला था आप लोगों ने? अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन। मुद्दा ये नहीं है कि तुम लोगों ने आंसर बता दिया है, मुद्दा तो कुछ और है अभी। एलसीएम कितना निकाला था आपका इसका आप लोगों ने? निकाला था ना। और एचसीएफ कितना इसका? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ये आंसर तो सही है दोनों। लेकिन मुझे बताओ, इसका नाम तो लोवेस्ट है, आंसर निकाल रहे हो तुम हाईएस्ट। इसका नाम है हाईएस्ट, आंसर निकाल लो लोवेस्ट, क्या सीन? नहीं है ना। और कुछ लोग यहाँ पे फैक्टर भी लगा रहे थे, हाई लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर नहीं भाई, मल्टीपल ही होता है। लेकिन ध्यान रखना गाइस, इसको ना जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। जीसीडी वगैरह भी बोला जाता है, इसके अन्य नाम भी हैं। ध्यान रखना गाइस, ये मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, इसकी टेबल में जो आएगा वो, और फैक्टर का मतलब जिसकी टेबल में ये सारे आएंगे। फैक्टर हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, है ना, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, याद होगा दूसरी क्लास, ठीक है ना। तो ये फैक्टर है इसलिए छोटा रहा है, ये मल्टीपल है इसलिए बढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये चीज है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे कभी यू ना बोले कि भाई एलसीएम निकालो, उसके ऊपर क्या बोल सकता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई सो एंड सो। तो आपको क्या निकालना, हमेशा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? लो करो एक और सवाल ऐसा ही, फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई शेयर नहीं करेगा, अपना अपना निकालेंगे सारे। मुझे पता है कि सबके अलग अलग आने वाले हैं यहाँ पे। कोई नहीं बोलेगा भाई, मैं पूछूंगा सिर्फ। कितना रहा है? कोई नहीं बोलेगा, प्लीज आप बोलो, हाँ बोलो। 420 आ रहा है, क्या बढ़िया नंबर आ रहा है यार, है ना नंद किशोर। करुण यही आ रहा है, जनता के साथ जाना चाहते हैं आप। चलो आ जाओ भाई, देखो 420 आ रहा है,
कितना आ रहा है यार बोलो यार, मेरे कानों में आवाज आ रही है 720 840 840 किसने बोला है आपका आ रहा ना 840 आ रहे। देखो खुल के बोलो यार, आगे बैठो आप लोग, आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कौन लेगा। आओ चलो देखो सुनो, आपका तो लास्ट क्लास में भी गलत आ रहा था, मैंने चेक किया था। मित्रों आ जाओ देखो सुनो, आओ चलो देखो देखो देखो, किससे ले जाओगे पहले, दो से ले जाएं भाई, बातें नहीं करो प्लीज, सात से सीधे चलो ले जाओ भाई, मुझे पता है आपको आता है सात का पाड़ा। देखो क्या ये को प्राइम नंबर है क्या, को प्राइम क्या होता है आपका सहभाजी एक दूसरे की टेबल में, तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है। तो पांच दो नहीं दस, दस से तीस, तीस सत्तर कितना हो जाएगा हमारा 210, 210 का डबल क्या हो जाएगा 400, तो वही है ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गई है ठीक है, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा इस। अच्छा पूर्णता विभाजित होने का क्या मतलब, हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, हमने बहुत सारा टाइम नंबर सिस्टम को दिया, 10 लेक्चर कर लिए उसमें है ना। नंबर सिस्टम में भी हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा है ना, आपको पता है मित्रों कि अगर मैं 16 को 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा 0 आएगा रिमाइंडर है ना। तो आपको पता है यहां पे कह रहा है पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीटली डिविजिबल, तो जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। आप करके देख लो, करूंगा नहीं मैं बस बता रहा हूं, आप जैसे 420 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो भी कर लेना, तो भी 0 आएगा, किसी से भी करवा देना इसमें है ना, हमेशा क्या आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ना एक और लाइन बोल दे, अगर वो इसी में एक और लाइन बोल दे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर तीन शेष बचे, क्या बचे तीन शेष बचे, ये अब लाइन, अब अगला टाइप ऐसा आने वाला है, अभी मैं करा रहे ना बस आइडिया दे रहा हूं ताकि आप खुद से कर सको, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इस पे हमारे। तो देखो हमें क्या करना है, सेम सब कुछ सेम रखना है, और कितना रिमाइंडर चाहता है ये, तो तीन ऐड कर देंगे, तीन तीन बचना शुरू हो जाएगा है ना, चार रिमाइंडर चाहता है, जो भी एलसीएम निकालो उसमें उतना ही क्या कर दो आप, ऐड कर दो, बात समझ आ रही है आपको, तो जितना रिमाइंडर चाहिए वो ऐड कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको नहीं करना, अरे फोन आज ही आ जाएंगे क्या यार, करो भाई टेंशन मत लो यार, बैठूंगा नहीं मैं, नहीं देख रहा,
निकल गया सर अभी। कितना कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? कॉपी छुपाने से कुछ नहीं होगा। 1020 बता रहे भाई। किसी और का कुछ आ रहा है क्या? अरे बहुत बढ़िया भाई, देखो देखो दोनों 540, 1020, 1890। और बताओ इसके अलावा किसी का कुछ? 1080। और बताओ निम्न बता रहा। और बताओ और किसी का कुछ आ रहा है? देख लो मैंने डेवन क्या कहा था कि एलसीएम लास्ट क्लास तक गलत ही आएंगे, ये तजुर्बा था मेरा, भविष्यवाणी कुछ नहीं आती मुझे। और मैं इस क्वेश्चन को सोच रहा था स्किप कर देता हूँ, अगला वाला करा देता हूँ, रिमाइंडर वाला। युगो पे आ गए क्या बात यार? ऐसा मत बोलो। एक बार क्या हुआ सुनो सुनो, एक बार ऐसे ना मैं एग्जाम दे के आया या पता नहीं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहे थे हम लोग अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने कहा भाई जब तक ये सवाल नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, सवाल हो नहीं रहा। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे, अब सारे सारे देख रहे हैं मुझे, सारे मतलब क्लास नहीं ले रहा था, फ्रेंड्स वगैरह पढ़ रहे थे ऐसे। फिर जैसे क्या करूं, ऐसे कभी रैपर ईगो पर नहीं लेना चाहिए, दिक्कत हो जाती है बाद में। आओ देखो सुनो, देखो एलसीएम का रूल ये कहता है, बेसिक रूल मैं आपको अगर प्राइमरी में ले जाऊं, सबसे पहले जो सिखाया है कि ऐसे नंबर से पहले डिवाइड करते हैं, लीस्ट नंबर से भाई बातें नहीं करो, देखो बातें नहीं करो प्लीज, ऐसे छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करो जो कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड कर रहा हो। जैसे आप एक एक को छोड़ो, 2 ले लेते हैं, क्या 2 से 2 संख्याएं जा रही है यहाँ पे? जा रही तो हम ले लेंगे, ठीक है 2 से जा रही है। अब आपको मुझे पता है कि ये 3 से भी जा रहा है, और कई लोगों को हो रहा है फटाफट 3 से करो क्या टाइम पास चल रहा है, ये उसी का नतीजा ये जो आ रहा है यहाँ पे, उसी का नतीजा ये, ठीक है। अब इसको किस, अब देखो 2 से सिर्फ एक ही नंबर जा रहा है तो हम किसको ले लेंगे, अब 3 से ले लेंगे, 3 बजे 15, 3 दुनी 6, 3 3 9, 3 9 27। फिर से 3 से जा रहा है ये, अब ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया ना, तो एक दूसरे के पारे में नहीं आता था, आप सीधे गुणा करा दो तो 5 दुनी 10, 10 30, 30 90, 90 दिया 270, 270 का डबल कितना होता 500। मोए मोए आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं भाई मैं। जब इस चैप्टर की लास्ट क्लास कर रहे होंगे ना तो भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहेंगे। हाँ जी अगला सवाल देखो आप लोग, इसका आंसर क्या देना चाहते हो आप लोग? देखो नंबर तो वही है ना, 15 12 18 27, पीछे देखना 15 12, भाई बात है नहीं प्लीज, 15 12 18 27। एलसीएम क्या आया था हमारा? 540 आया था ना एलसीएम, और रिमाइंडर कितना बचाने कह रहा है? ये 3, क्योंकि 540 में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो जितना बचाने कह रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 500 ये आंसर होगा। अब आप इसको डिवाइड करो तो भी 3 बचेगा, इससे डिवाइड करोगे तो भी 3 बचेगा, इससे करो तो भी 3, उससे करोगे तो भी 3, समझ में आ रही बात आपको? तो जब भी रिमाइंडर की बात होगी, शेष की बात होगी, शेष हमेशा, ठीक है ना, लिख लो आप इस क्वेश्चन को, ये लिख लेना आप लोग कि 15 12 18 27 का एलसीएम कितना आया, इन सब का एलसीएम आया है 540, ठीक है। और जो भी एलसीएम आया है उसमें हम क्या करेंगे भाई, जो भी एलसीएम आया है उसमें रिमाइंडर हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि शेष जोड़ देंगे हम लोग, आगे बढ़ जाए। पवन भाई ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, तो चलता रहे। मैं एक ही सवाल ही कहां से दूं? दो
अब नहीं दूंगा, तुम अलर्ट हो अब। अच्छा अच्छा दे रहा हूँ, फिर कोई बात आगे बढ़ जाए। आज अब न्यू टाइप पे चल रहे हैं, ठीक है। देखो इस सवाल, जैसे ये सवाल हमने भी दो किया ना, आप 5 करोड़ 50,000 करोड़ सेम ही होना है, ठीक है। अब आप ऑफेंड हो रहे हो तो इस चक्कर में सवाल मेरे पास ज्यादा है नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा आपका। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, छोटी संख्या, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या, वो भी कितने डिजिट्स की, कितने डिजिट की है ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो क्या बताओगे आप। अगर मैं पूछूं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो क्या कहोगे आप। अगर मैं पूछूं तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हजार में कितने अंक आते हैं, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 हो गया ना भाई। ध्यान रखना जब भी बड़े की बात करेगा ना, चाहे एक अंक की, चाहे दो अंक की, चाहे तीन अंक की, चाहे तो ऐसा ही कुछ कुछ चलता चला जाएगा है ना। और जब कभी भी छोटे की बात करेगा तो 10 होगा या तो 100 होगा या 1000 होगा या फिर, समझ पा रहे हो क्या है ना। हाँ वो छोड़ दो, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की छोटी संख्या, पांच अंकों की, छह अंकों की, ऐसे चलेगा। अगर बड़े की बात करेंगे तो 9 वाला चलेगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। समझ रहे बात आपको। अब इसने बोला आपको कि फाइंड द लार्जेस्ट 4-digit number जो कि क्या हो 15, 18, 21, 24 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो पहले तो इसका एलसीएम निकालो आप लोग, अपना अलग अलग निकालना है। 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकालना है, सेपरेट निकालना, बातें नहीं करना, एक दूसरे से चीटिंग मत करना। आपको 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं लेकिन ये आंसर है फाइनल। निकल गया क्या सबका एलसीएम निकालना, बस इससे बाकी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप लोग। आपके कंधों पर बस इसके एलसीएम की जिम्मेदारी है, 15, 18, 21, 24 की। आ गया, आ नहीं रहा क्या पंकज भाई, बहुत उम्मीद है मुझे आपसे, बोलो आप लगाओ बोली। तरुण, तरुण सुनाई नहीं दे रहा। क्या रहा है एलसीएम तुम्हारा, क्या नाम है ये भाई साहब, ये तो आंसर है, ये नहीं देखना, ये आंसर है भाई, ये तो फाइनल चीज है।
कितना आ रहा है? 840 आ रहा भाई। आपका क्या आ रहा है? 25-20 आ रहा भाई, ठीक है ना। और जिनका कुछ और आ रहा है 840-1280 वो देख लेना आप लोग। सुनना ध्यान से, निकाल के दिखाऊं क्या कर लोगे? ठीक है, अब देखो हम लोग ना सीनियर हो चुके हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना आप लोग। इसका एल्सियम क्या आएगा? 25-20 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा शांति से सुनना। उसने कहा है आपको चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, ठीक है। किस किस का नहीं आया वैसे एल्सियम? हाथ भी नहीं खड़े कर रहे। चलो कोई बात नहीं भाई, यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज ध्यान से सुना, कह रहे चार अंकों की बड़ी संख्या। अच्छा ये 25-20 आ गया, 25-20 का पहाड़ा याद है किसी को? 25-20 की टेबल में 1 पे आता है 25-20, और 2 पे क्या आएगा आपको पता है? 50-40, और 3 पे क्या आएगा? 75, और 4 पे क्या आएगा पता आपको? 10,080। उसके बाद ऐसे ही बढ़े आगे, है ना, जैसे हम 2 की टेबल पढ़ते हैं वैसे इसकी टेबल हमने पढ़ी। तो देखो चार अंकों में लास्ट कहां तक जा रहा हमारा? हाईएस्ट यही है। इसके बाद तो कितने अंक आ रहे हैं हमारे पास? 5 आ रहे हैं ना। तो चार अंकों का हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? 75-60, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरीका मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। और लेकिन ये बड़ा ही ना, ये तो बड़ा ही जुगाड़ू तरीका। रीजन क्या है? अगर मान लो कभी बड़ी संख्या दे देगा ना, तो कहां तक पहाड़ा पड़ोगे? समझ कर आप लोग, यहाँ पे कोई भयंकर सा नंबर हो गया तो आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। तो इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। इसका दूसरा तरीका ये है गाइस, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन पहले तरीके जान लो आप लोग। ध्यान से देखना, एलसीएम लेने के बाद ना आपको क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद ना देखो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? यही होती है ना। इसको किससे डिवाइड कर दो? 2500। ये करना नहीं है आपको, बस मैं सिखा रहा हूं आपको। और ये मैक्सिमम कितने पे चला जाएगा? ये तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो चार अंकों की आपने बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है, उसमें से आप क्या घटा दोगे? 24। ये रिमाइंडर घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। अब यहां पे आ जाओ, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। आप हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं ना, जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया एक बार बताओ भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहता है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू बताओ भाई, लास्ट में क्या होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 का तुम्हें पता ही है, 11 में बता चुका हूं, बता तो सारे चुका हूं। अगर कोई पूछे 72 का क्या होगा, तो 9 × 8 कर देंगे। सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो सब नहीं, वहां नहीं जा रहे, बस बेसिक की बात कर रहा हूं मैं भाई। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू भाई, 2 के भाग का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होगी। 3 का रूल बताओ भाई, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है ना। तो सम ऑफ डिजिट्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा रूल ऑफ 4 क्या कहता है भाई? लास्ट के कोई भी नंबर दे दिया। अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ था, मैंने क्वेश्चन भी बताया था आपको, सीडीएस का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन कराया था मैंने, 16 डिजिट का नंबर दिया था, कहा था कि 16 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन कराया था मैंने ना अभी सीडीएस में, 4 दिन पहले का सवाल आया था 16 डिजिट का क्वेश्चन। जबकि जब मैं आपको 16 डिजिट पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि 16 का आता नहीं है क्वेश्चन, वीडियो में देख चेक कर लेना आप लोग, लेकिन सीडीएस में पूछा इस बार। और मैं आपको बताऊं, कल मैं सीजीएल का जीके पढ़ रहा था, मुझे तो लगता ना ये जितने भी क्वेश्चन सेट करते हैं ना, हम जितना पढ़ाते हैं उसे एक स्टेप आगे जाके पूछते हैं। जैसे मैं कल मैं क्वेश्चन देख रहा था सीजीएल का, कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारा मन्नार की खाड़ी आती है,
और उसने ऐसा क्वेश्चन सेट किया था ना कि अच्छे अच्छे घूम जाए वहां पे, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ डिजिट, लास्ट के दो डिजिट होंगे डिवाइड, लास्ट के दो डिजिट अगर चार से डिवाइड है, बड़े कितना भी नंबर लिखो से कोई मैटर नहीं करता। पांच की कंडीशन क्या है मित्रों, लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो या पांच। छह की कंडीशन क्या है, दो और तीन, दोनों से जो दो और तीन की कंडीशन फुलफिल करेगा वो छह की कंडीशन फुलफिल करेगा। सात की कंडीशन में बताता गाइस कि डबल डबल करके करना है आपको, है ना, ठीक है। आठ की कंडीशन क्या है मित्रों, लास्ट के तीन डिजिट करने आपको, ठीक है। और नौ की कंडीशन क्या है, सम ऑफ, जिसने प्रैक्टिस की होगी ना उसकी आवाज आएगी, सम ऑफ डिजिट्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कह रहा है क्या है, एक ऐसा नंबर बताना जो किससे डिविजिबल हो, 15 से, 18 से, 21 से और 24 से। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, 18 भी आ रहा है। 18 किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है ना। तो देखो इसका डिजिटल सम करो कितना आएगा, इसका डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 6 × 17, इसका डिजिटल सम कितना आएगा और 7 × 18, इसका डिजिटल सम कितना आएगा। तो जब ये 9 का मल्टीपल होगा, वो नंबर भी तो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा जो डिवाइड होगा, है ना। तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर टिक करने की जरूरत है। 9 का मल्टीपल देख लो, 4 का मल्टीपल देखो, कोई भी मल्टीपल देख लो। अब मान के चलो, सुनो यहाँ पे 24 है, बात नहीं प्लीज, यहाँ पे 24 है, 24 किसके टेबल में आता है भाई, 4 में आता है। तो यानी वो संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन अब देखो 4 की कंडीशन क्या, लास्ट के, तो ये तो सारे ही हो रहे हैं ना, तो मैं 4 का क्यों देखूं। अच्छा फिर देखो ये 21 लिखा है, 3 का है, तो 3 में देखो आप, 3 में ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 में ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो फिर भी दो ऑप्शन बचे ना मेरे पास। और देख लो ये 5 की कंडीशन, 5 की कंडीशन क्या कहती है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या, तो 0 तो सब में ही है। तो एक कंडीशन, एक नंबर ऐसा बच रहा है 9, जिससे मेरा अलग हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 9 का भी अप्लाई करेंगे, किसी और का भी अप्लाई करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है ना। ये चीज है, देखो जिन्होंने नंबर सिस्टम याद होगा, मैंने डिजिटल सम पढ़ाया था, सम ऑफ डिजिट्स, इसको जोड़ोगे 7, 2, 9, 9 और 6, 15 को फिर से जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 1 और 5, ठीक है, 7, 3, 6, 3, 9। अच्छा मैंने कहा था जब 9 बन जाए तो डायरेक्ट काट दो, जोड़ो ही मत, तो मैंने इसे 7 और 2 को काट दिया, क्या बच गया। अगर आप नहीं काटते तो भी क्या आता, यहाँ पर देखो 7, 6, 4, 10, 10 और 17, 17 को फिर से जोड़ूंगा क्या आएगा इसका डिजिटल सम, ठीक है, 7, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पे देखा ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। और 9 की कंडीशन क्या है, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको डबल करो, देखो 6 का डबल 12 हो गया, ठीक है, 12 को इसमें से घटा दो आप, तो कितना बचेगा हमारे पास, इसे माइनस करना होता है डबल डबल करके, आगे अगले में माइनस करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, इसलिए यूज कम होता है और पूछा भी कम जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था 7, 11, 13 का मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, और भी बताए थे बहुत सारे। 7 के मैंने जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया था आपको, ये लिख रहे हो आगे बढ़े, ये लिख रहे हो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा गाइस एक बात बताओ, अगर मान के चलो मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं, यहां पे ये ऑप्शन भी दे देता मैं आपको, ठीक है। अब इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7, 6, 13, 13 और 5, 18, 18 का क्या आता, तो फिर अब क्या चेक करते, अब तो पता ही नहीं है क्योंकि 9 के तो अब 2 आ गए हमारे पास, है ना। फिर मैं कोई और कंडीशन लगाता, फिर मैं 4 वाली कंडीशन भी अप्लाई कर देता, 4 है ना ये फैक्टर, तो 4 की कंडीशन क्या, लास्ट के, क्या लास्ट के दो डिजिट है क्या, इसलिए फिर से क्या हो जाता, टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता। समझ में आ रही बात आपको। तो डिजिटल सम जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि नंबर आगे पीछे करने से डिजिटल सम सेम ही आता है, 3 + 2 लिखो या 2 + 1 ही बात है, ठीक है।
करो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। सबसे पहले तो एलसीएम निकालो इसका। अच्छा एक काम, एक एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ऑप्शन लिख देता हूं 9270। 9720, 9027, 9702। ये रहो, चार ऑप्शन भी दे दिए, सॉल्व करो। सेम पिछला सवाल है, अब कैसे करना वो 999 वाले मेथड से करना, ये इस मेथड से करना, आप देख लो। क्या रहा है? ओके अगर पिछला तरीका समझ, देखो अगर आपको नहीं पता तो आप 9 वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस जिसमें प्रैक्टिस करोगे ना वही तरीका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एलसीएम वाले मेथड से भी कर रहा है क्या? कितना आ रहा है एलसीएम? पांच सौ चालीस आ रहा है। एलसीएम तो 540 है, फिर अब 999 को डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना? 540 नहीं आ रहा, आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अरे आपने कह दिया, मान लिया मैंने। जिन लोगों का नंबर सिस्टम छूट गया ना, हो सकता है उनको ना समझ में आए ये क्या किया मैंने पिछले सवाल में, तो वो नए वाले मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लेक्चर देखना, वहां से कवर हो जाएगा। आओ देखो मित्रों, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। देखो सुनो, 12 का, 15 का, 18 का और 27 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 540। अब देखो, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 × 9 होती है, है ना? तो एक पे ले जाओ आप लोग, तो 540। और अब कितने पे चला जाएगा ये? 9 पे जाएगा? नहीं, 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे ले जाओ इसको। 0 हो गया, 8 × 32 का 3 और 43 हो गया, तो कितना बच गया हमारा? 279 रिमाइंडर बच गया ना। तो भाई 9999 में से क्या घटा दो आप लोग, 279, तो 0279, 9720 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, पहले इसका, अब देखो इसका ट्रिकी अप्रोच देखो आप लोग कैसे, पहले सबका डिजिटल सम करो। लेकिन मित्रों एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर संख्याएं आगे पीछे हो, देखो सब में क्या लिखा, 927 आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो सबका डिजिटल सम सेम ही आएगा, और वो कितना आएगा? वो आएगा 9 आ गया। तो देखो, अब देखो यहाँ पे 18 है, मुझे पता तो तुम 18 को लेकर बैठे हुए हो, इसलिए मैंने सबको आगे पीछे कर दिया, तो 18 वाली कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगा। अब और चेक करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका 4 भी है, तो 4 की कंडीशन क्या कहती है? लास्ट के, क्या 4 के टेबल में 2 आता है? क्या 4 के टेबल में 27 आता है? 4 के टेबल में 20 आता है या 70 आता है? 20 आता है, तो एक कंडीशन से हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार 9 नहीं देखेंगे सर, क्या देखेंगे? 4 देखेंगे, है ना? उसमें इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है इसके लिए ना, प्रैक्टिस की बात है ये। आगे बढ़ जाए,
देखो ये जितने सवाल हमने पीछे चार पांच किए ये एक टाइप के थे, इसमें चार अंकों की बड़ी संख्या या चार की जगह पर पांच होता तो हम पांच बार लगा लेते, नौ से कोई मैटर नहीं करता। तो ये जो हमने सवाल किया इसमें बड़ी संख्याओं के बारे में पूछ रहा था, अब जो सवाल करने वाले नेक्स्ट टाइप उसमें छोटी संख्याओं के बारे में पूछेगा। तो जब भी छोटी संख्या के बारे में पूछेगा तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 मान लेंगे, तीन अंकों की 100 मान लेंगे, चार अंकों की 1000 मान लेंगे, है ना। मतलब इसकी जगह पे बाकी सारी कंडीशन लगभग सेम रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अगला टाइप लिख लो आप लोग। फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, पहले इंग्लिश में लिख लो आप लोग, ये लिखा नहीं है क्वेश्चन मेरे पास है। फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नहीं सॉरी, हाँ हाँ ये कर लिया ना, हाँ स्मॉलेस्ट, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 3, 4, 5, 6, 7, 8। पांच अंकों की करेक्ट रही, पहले इसका डिस्क्रिप्टिव देख लो आप लोग, फिर शॉर्ट ट्रिक देख लेना। लिख लिया सबने क्वेश्चन, देखो सुनो कह रहा है पांच अंकों की, पहले तो इन सबका एलसीएम निकालो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई, निकालो निकालो एलसीएम निकालो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना जरा, निकाल लिया 48,000 है, चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं। अब आपने इतना पर्सनल ले लिया ना कि क्या कर, नहीं भी होगा तो मानना पड़ जाएगा अच्छा देखो ध्यान से सुनना, 840 ये तो इतना तो लास्ट क्वेश्चन में भी था, अब इसने बोला पांच अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है भाई, 10,000 होती है क्योंकि इसमें पांच अंक है ना, 3, 2, 5 और स्मॉलर से इससे कम करोगे तो 4 में आ जाओगे, एक भी कम किया तो 4 डिजिट में आ जाओगे आप लोग। अब इसको जरा डिवाइड करते हैं गाइस, 0 फिर 1 पे चला जाएगा ये, रिमाइंडर के देखो ध्यान से सुनना आप लोग, कभी भी याद रखना छोटी संख्या का जब भी केस आएगा ना स्मॉलेस्ट नंबर का, पिछले वाला क्या था हमारा लार्जेस्ट नंबर, तो सीधे सीधे रिमाइंडर घटा रहे थे हम लोग, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर के केस में जो आपने संख्या मानी है इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, जो हमारा डिवाइजर और जो रिमाइंडर इनका गैप जोड़ेंगे, कितने का गैप है इनका, 840 माइनस का 760 का गैप है गाइस, कितने का गैप है,
क्योंकि देखो तुम इसमें कुछ घटा सकते नहीं हो, क्योंकि घटाओगे तो ये पांच अंकों की रहेगी नहीं, तो सवाल ही फुलफिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10,000 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 10,080 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये तो इसका तरीका हो गया एक जो आपको नहीं करना है, क्या करना है वो भी देखो ध्यान से सुनना। आपको सवाल ये दिया हुआ है कि पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिविजिबल हो, इसमें 8 आ रहा है, इसमें और क्या आ रहा है, देखो 8 की कंडीशन क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, देखो लास्ट के 3 डिजिट अगर लोगे तो ये तो सिर्फ 8 है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जीरो को काउंट करेंगे नहीं अगले वाले को। तो 8 की कंडीशन छोड़ दो, कुछ और लगा लेते हैं हम लोग, 3 की कंडीशन लगा ले, 3 की कंडीशन भी हो जाएगी, क्योंकि सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, वो भी हो जाएगा। फिर 4 की कंडीशन, 4 की कंडीशन क्या कहती है, लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन देखो अभी ऐसा है ना, हाँ लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या क्या आएगा हमारा, सिर्फ पहला वाला आएगा ना, तो हाँ थर्ड भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कुछ और लगा लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 की कंडीशन ना, लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 की कंडीशन क्या, लास्ट में देखो ध्यान सुना, 5 की कंडीशन लास्ट में 0 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 की कंडीशन लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना, तो 2 डिजिट में फिर ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या हमारे पास, 2 ही से हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसमें ये नहीं सोचना क्या घटाना है, क्या जोड़ना है, एलसीएम लेना है नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन इसलिए आपको रूल पता होना चाहिए कि 2 की क्या रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल खूब अप्लाई होगा इसमें। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम के कई क्वेश्चन आपको एलसीएम एससी में मिलेंगे, है ना। जब ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना, तब जाके आपके नंबर सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो। हाँ सिंगल डिजिट मतलब, हाँ 18, जैसे मान लो 18 आ जाती है तो भी 9 की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। मान लो 42 आ जाती है तो 6 की 7 गुना 6 होता है, या मान लो देखो सुनो, यहाँ पे अगर 44 होता गाइस तो 11 गुना 4 होता है, 4 की कंडीशन चेक कर लेंगे या 11 की कंडीशन चेक कर लेंगे, है ना। हमने पढ़ा था ना, मैंने कहा था आपको 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 गुना में, मतलब जो संख्या 9 और 8 से दोनों से डिवाइड होगी वो 72 से भी डिवाइड होगी, तो आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना, और इतना सोचो ही मत, आप क्वेश्चन करो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से सुनना, करें इसी में गाइस एक लाइन बोल दूं मैं कि शेषफल 2 बचना चाहिए, इतने होशियार बच्चे बताइए क्यों ना हो सिलेक्शन इनका, ठीक है। करें अगला सवाल, चलो लिखो अगला सवाल लिखो, आपको रिमाइंडर तो जब भी बोला ना एक्स्ट्रा, देखो अभी तक मामला बराबर चल रहा है, ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर बचाने की कोशिश करो, तो एक्स्ट्रा जोड़ दो, और है ना जो एक्स्ट्रा जोड़ोगे वही बचना शुरू हो जाएगा। लिखो आप लोग, 6 अंकों की स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हिंदी वाले लिख लो भाई, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से जी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हाँ
थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, अगर आप लोग डायरेक्ट चेक कर रहे हो ना तो गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि पांच की कंडीशन ही है, जीरो होना चाहिए, किसी में भी जीरो नहीं है। तो देखो जब भी बोले ना दो रिमाइंडर बचे, तो रिमाइंडर पहले हटा देना है आपको इसमें से, उसके बाद डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। जैसे इसमें से भी घटा दोगे, इसमें से भी घटाओगे, इसमें से भी, है ना, उसके बाद। तो देखो एक्चुअल में जो ये नंबर लिखे हुए, भाई बताओ सॉल्यूशन या कर रहे हो ट्राई? कर लो ट्राई, कोई बात नहीं, करो। क्या रहा, बी आ रहा है? पहले बताओ, कह रहा है छह अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन है? ये लिखा है 1,202, ये लिखा है 1,22, 1,202 और 1,20,000। 1,22 सही है ना, सबसे छोटा है। अब इसका कंडीशन चेक कर लो आप लोग, दो घटाने के बाद, लेकिन क्योंकि दो इसमें ऐड जुड़ा हुआ है ना, तो देखो दो घटाओ तो कितना जाएगा, 1,000,20 हो जाएगा ना, क्योंकि 22 में से दो घटाओ तो कितना बचेगा, 20। अब देखो चार की कंडीशन, लास्ट के दो डिजिट डिवाइड हो रहा है, फुलफिल हो ही रहा है, और चेक कर लो लास्ट में जीरो होना चाहिए, हो ही रहा है। पांच की कंडीशन, लास्ट में जीरो होना चाहिए, हो ही रहा है। छह की कंडीशन, दो से भी डिवाइड होना चाहिए, और तो दो से हो ही रहा है क्योंकि लास्ट में जीरो, और तीन से हो ही रहा है क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या है, अंकों का योग तीन है। और कितना चेक करोगे, है ना? तो ये जो मैं आपको देखो सुनो, मैंने जो आपको ये दो तरीके बताए, चाहे कोई भी सवाल है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, आप डिविजिबिलिटी का रूल लगाओगे, कुछ और नहीं लगाओगे। वरना आपको याद करना पड़ेगा हर बार कि कब आपको रिमाइंडर घटाना है, कब आपको डिवाइजर रिमाइंडर का डिफरेंस घटाना है, ठीक है ना? तो जितने तरीके कम से कम दिमाग में रखो उतना बढ़िया है, ठीक है ना? और ये जो तरीका ना, इससे आपका एक तो स्ट्रांगली कर पाओगे, बिना पेन पेपर के कर पाओगे, जितना तरीका स्ट्रांग हुआ। बाकी आज मैं एक बार दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको। देखो सुनो, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 60 आ रहा है क्या? अब देखो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 3, 4, 2, 6 हो गया। अब एक पहले जाओ आपका, तो 60 हो गया, बचा कितना, 40, ऊपर से आया 0, 6, 6, 36, 360, बचा कितना, 40, एक और 0 आ गया हमारा, 6, 6, 36, 360, बचा कितना, ये फिर से चला गया, कितना बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। अब मैंने ये कहा था मित्रों कि 1,00,000 में से
पांच अंकों की बोला ना उसने, तो एक लाख में पहली बात कुछ घटा तो सकते नहीं हो, क्योंकि घटाओगे तो ये पांच अंकों की रहेगी नहीं। हमेशा क्या करना है इसमें, क्या जोड़ना है, इसका और इसका डिफरेंस, और प्लस में यहाँ पे एक और चीज है रिमाइंडर, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1000। ये भी कोई बुरा नहीं है, अगर प्रैक्टिस है याद है तो कोई बुरा नहीं है, सेकंड्स का ही है ये भी, ठीक है। बाकी आप कोई एक ही तरीका रखो वही ज्यादा अच्छा, तरीका वही अच्छा होता है जो सब पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नहीं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगला क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, कंसेप्ट है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।